मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट व्यापार संघ अगर कैसे हैं। आज यहाँ पर अरिहंत अस्पताल चमोली ग्लोबल मिडास फाउंडेशन एवं मिनरवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा अरिहंत अस्पताल के प्रबंधक श्री राणा जी का, जिनके द्वारा यहाँ पर आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है निःशुल्क, और मैं उनके समस्त टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आने वाले समय में एक दो महीने बाद फिर यहाँ पर गैरसैंण में उनके द्वारा कैंप लगाया जाए, मैं ये निवेदन उनसे और करना चाहता हूँ। कैंप से आपको क्या लगता है कि क्या क्या फ़ायदा मिलेगा आम जनता को? शिविर लगने से यहाँ पर की अधिकांश जनता हमारी गरीब जनता है, और आपके अरविंद अस्पताल द्वारा जो यहाँ पर जो कैंप लगाया जा रहा है, मुझे ये विश्वास है कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा और आने वाले समय में भी यहाँ पर लोग आएंगे और आपके स्वास्थ्य का लाभ उठाएंगे। गैरसैंण एवं आसपास के क्षेत्र में आपके हिसाब से क्या और कितनी बीमारियाँ और उस पर सरकार के क्या कदम है, क्या कर रही है? यहाँ पर गैरसैंण जो क्षेत्र है हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनज़र देखते हुए कि जो सरकार के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं वो अभी तक फिलहाल नील समझते हैं हम, क्योंकि यहाँ का जो गरीब व्यक्ति है उसको या तो श्रीनगर देहरादून या अन्य जगह अपने जो बीमारियों का इलाज करना होता है बाहर ही निकलते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं दी गई। ऐसा कैंप क्या कभी पहले लगा है यहाँ पे? इस प्रकार का कोई भी कैंप हमारे संज्ञान में तो अभी तक यहाँ पर लगा नहीं, ये पहली बार है जो अरिहंत अस्पताल चमोली और देहरादून द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है। जो स्टाफ और डॉक्टर्स आए हैं यहाँ पे उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्टाफ और जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर आए हुए हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छा जो परीक्षण यहाँ पर किया गया है लोगों को, इससे हमें बहुत ही आगे आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं अरिहंत अस्पताल से कि वो और किस तरह का कैंप लगाए और क्या अच्छा कर सकता है अरिहंत अस्पताल गैरसैंण की जनता के लिए? हम ये चाहते हैं, माननीय राणा जी से अनुरोध भी करते हैं कि आपके द्वारा देहरादून चमोली में जिस प्रकार से ये अपना हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर गैरसैंण की जनता बहुत गरीब है जिसके कारण उनको इधर उधर अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए जाना पड़ता है, तो हम एक उम्मीद भी रखते हैं और पूरे क्षेत्र की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपके माध्यम से इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था, जो व्यवस्था आपने चमोली में की है या देहरादून में की है उसी तरह की व्यवस्था अगर आप इस गैरसैंण क्षेत्र में बना देते हैं तो ये बहुत गर्व का विषय रहेगा और इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कदम रहेगा आपकी तरफ से। कैंप में अगर कोई बीमारी जैसे कि कई लोगों ने दिखाया और किसी को पता चलता है तो क्या आपको लगता है कि गैरसैंण के लोग यहाँ से चमोली आके अपना इलाज कराना चाहेंगे? आएंगे, निश्चित आएंगे लोग यहाँ से, क्योंकि जो जिस प्रकार से शिविर यहाँ पर लगा हुआ है और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि लोग जरूर आएंगे, और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बना हुआ है, यहाँ पर हड्डी रोग के विशेषज्ञ नहीं है, बाल रोग के विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ पर सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, और इन तमाम बीमारियों से यहाँ पर लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये हॉस्पिटल द्वारा हमारे लोग क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। अरिहंत अस्पताल चमोली ग्लोबल मिडास फाउंडेशन एवं मिनरवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या कोई राय देना चाहेंगे, कोई सुझाव आपकी तरफ से हो? सुझाव तो हम ये देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने आज यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया उसी तरह अगर लगातार हर महीने या दो महीने में यहाँ पर इस तरह के बड़े कैंप लगाकर
यहाँ पर कंटिन्यू आते रहें तो ये क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात रही।